खोलने के लिए ये कवर और ये कवर खोलना होता है। नीचे का पिकअप खुलना होगा, नीचे का, तो आपको ये डोर निकालना नहीं पड़ेगा। अब ऐसे ही नीचे का ये दो नट खोल के, चार नट खोल के आप पिकअप निकाल सकते हैं। अगर आपको ऊपर का और नीचे का दोनों पिकअप खोलना है तो ये नट, ये नट और ये डोर भी निकालना होगा। पिकअप ज़्यादातर खराब बहुत कम होता है और उसमें ज़्यादातर डस्ट गिरने की वजह से मशीन खराब हो जाता है ज़्यादातर पिकअप, तो उसको अब साफ कटा होगा। अब डोर हम निकालेंगे। डोर खोलने के लिए ये और ये पार्ट अलग करना पड़ता है। यहाँ एक नट दिया हुआ है, देखिए इसको आराम से निकाल लेंगे। ये कवर भी निकल जाएगा। निकल जाने के बाद में यहाँ पर एक कील होता है, ऊपर की तरफ करेंगे फिर आ जाएगा बाहर। अब इसको ये आपका अलग अलग डोर हो गया। डोर खोलना होता है। डोर खोलने के लिए यहाँ नट, ये नट, दो नट खोलना होता है। इसको डोर खोलते वक्त डोर को एक हाथ से पकड़ा करें, क्योंकि अगर खसल गया तो टूट जाएगा। ये डोर खोल देने के बाद में आराम से आप निकाल देंगे। बाहर निकाल देने के बाद में यहाँ पे इसको निकालने के लिए एक लॉक लगा होता है, इसको ऐसे सामने तरफ खींच लें, ये आ गया। अब ये दोनों ट्रे जो होता है इसको बाहर निकाल दे पूरा। ज्यादातर प्रॉब्लम क्या होता है ना, आपका जो टोनर यहाँ से गिरता होता है तो वो इसके ऊपर ज़्यादातर गिर जाता है। तो गिरने के बाद से पिकअप ख़राब हो जाता है, पिकअप चलता नहीं है, पिकअप पेपर नहीं खींचता, पिकअप लोड नहीं होता, ये चार पांच प्रॉब्लम होता है। तो इसको खोल के साफ सुफ करके आपको लगाना है। अगर हो गया तो ठीक है, अगर ना होगा तो पिकअप कुछ चेंज करना होता है। ठीक है, पिकअप आप मार्केट से खरीद के ला के चेंज कर सकती हैं। यह हो गया, हम इसको खोलेंगे कैसे। पहले ये आपका कनेक्शन होता है इसमें पिकअप का, इसको निकालते हैं। यहाँ सेंसर का होता है, ये आपका पिकअप हुआ और निकल गया। ठीक है, अब खोलने के लिए इसमें क्या करना होगा, पे दो नट है नीचे का पिकअप खोलने के लिए और यहाँ पे दो नट है। पहले इस तरफ का दो नट खोल देते हैं।
एक चीज हो सकता है, अगर आपका पिकअप नहीं चल रहा है खोल के साफ करने के बाद में भी, तो आप इसको, इसमें एक सोलेनोइड लगा होता है, मैं आपको दिखाऊंगा, उस सोलेनोइड को आप खोल के आप पानी से अच्छी तरह से धो सकते हैं इस पिकअप को। सर्फ पानी करके इसको अच्छी तरीके से धो के लगभग एक दिन धूप में सुखा के फिर आप लगा सकते हैं। हो गया नीचे का पिकअप का नट, और अब ऊपर का, ऊपर इसमें भी एक यहाँ लगा हुआ है देखिए, जो जो नट आपका खोलने का है बस वही वही नट खोलें, दूसरा नट ना खोलें क्योंकि सेटिंग्स गड़बड़ा जाती है। और ये जो हिस्सा देख रहे हैं ये डोर लॉक होने का होता है, इसको ना खोलें, अगर ये इसमें डोर बैठता है, ये डोर कभी कभी खराब हो जाए का लॉक नीचे से भी टूट जाता है, अगर आप गलती से अगर डोर गलत लगाएं तो ये लॉक टूट जाता है। मैं डोर लगाने का भी तरीका आपको बताऊंगा इसमें खोल के। ये आपका नट खुल गया, नट खुलने के बाद में देखिए इसको सीधा पकड़ के बाहर की तरफ थोड़ा हल्का से लेके आएंगे, ये आ जाएगा, देखिए इसमें कितना सारा टोनर गिरा हुआ है, ठीक है। देखिए इसको आप खोल के साफ करके लगाना है, खोल के मतलब साफ करना क्या है, इसको जो ब्लोअर होता है वो ब्लोअर मार दें, ब्लोअर मारने के बाद में इसमें थोड़ा, यहाँ देखिए इसको सोलेनोइड बोलते हैं, ये एक नट में यहाँ लगा होता है, ये नट में, अगर आपको पिकअप धोना हो पानी से तो ये सोलेनोइड को इसको खोल दें, खोल के रख दें, बाकी सारा धो दें, और धो के फिर और एक बार मनी में एक दिन इसको धूप में रख के सुखा के फिर आप लगा सकते हैं, ठीक है। ये देखिए पूरा सेक्शन है इसके अंदर, ठीक है, और ये ऊपर का हिस्सा भी आ जाएगा अपने आप। इसमें भी देखिए टोनर गिरा हुआ है, अब देखिए मैं दोनों पिकअप बाहर निकाल दिया हूँ, ठीक है। ये जो चीज़ है ये पिकअप मोटर है, ये अंदर की तरफ से पिकअप को घुमाता है, ये गियर जो लगता है इसमें लग के घुमाता है, ठीक है। दोनों ही सेम होता है, और ऊपर नीचे भी आप कर सकते हैं, अगर आपका कोई पिकअप खराब हो गया हो, अगर आप नीचे चलाना चाहते हैं उसको ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। ऊपर नीचे करने के लिए बस सिर्फ ये बेस जो लगा होता है यहाँ से आप खोल के चेंज करके लगा सकते हैं, ठीक है, सिर्फ राइट साइड का, ये देखिए बेस खोल के लगा सकते हैं, नीचे में भी एक बेस लगा हुआ है, देखिए ये बेस भी आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। देखिए अभी दो पिकअप मैंने खोला है दोनों मशीन से, जो एक मशीन से तो ये ऊपर का है और नीचे का है, दोनों में कोई डिफरेंट नहीं है, तो आप ऊपर नीचे भी कर सकते हैं पिकअप, सिर्फ ये प्लेट और ये प्लेट खोल के आप चेंज कर सकते हैं। ये प्लेट खोलने के लिए यहाँ से पतला सा लॉक दिया होता है इसके अंदर, ठीक है, तो हल्का सा इसको प्रेस करने से ये लॉक निकल आएगा, तो ये एक अलग बात है। अगर आप ये पिकअप को साफ करके कैसे लगाएं मैं तो मैं एक पिकअप करके आपको दिखा रहा हूँ साफ करके। मैंने ये पिकअप लिया हुआ है, इसमें कितना टोनर बहुत सारा पड़ा हुआ है, इसको साफ करने के लिए आपको ब्लोअर मशीन की जरूरत होगी, ठीक है, और आपको इसको एक ब्रश की जरूरत होगी, जो कि आप इसको ब्रश मार के इसको ब्लोअर मशीन से हवा मार के उड़ा देंगे, ठीक। देखिए मेरे पास ये वाला ब्लोअर मशीन है जिससे मैंने इसको क्लीन कर दिया है, साफ कर दिया है। ऊपर तलक करना है पिकअप के, ऊपर का पिकअप नीचे और नीचे का पिकअप ऊपर लगाना है, यहाँ देखिए यहाँ पे एक छोटा सा है प्लेट, इसको आस्ते से बैंड करेंगे ये प्लेट आपका निकल आएगा, यहाँ पे एक लॉक लगा होता है, निकलना था ऊपर तलक कर सकते, इसको अच्छे तरीके से साफ कर दें, इसको ब्लोअर मार के बहुत अच्छी तरीके से साफ कर दें। अगर ये सोलेनोइड
खराब हो गया हो, ये खराब हो गया आपको जानेंगे कैसे, मैं खोल के आपको दिखा रहा हूँ। ये साफ करते हैं अच्छी तरीके से पूरा, ठीक है, ध्यान से थोड़ा साफ करें जैसे कि कोई सामान्य टूटा टूटी ना हो। अब इसका सॉलिनॉइड हम खोलेंगे। सॉलिनॉइड जो होता है ये पिकअप पेपर पिक करने में काम आता है। ये आपका सॉलिनॉइड होता है। देखिए अब ये सॉलिनॉइड खराब कैसे होगा आप देखेंगे। इसको पकड़ेंगे, ये अगर इसको ऐसे प्रेस करके पकड़ेंगे, देखिए प्रेस करके पकड़ने के बाद छोड़ेंगे, अगर ये फौरन उड़ जाना चाहिए। अगर ये खराब हो गया होगा या फिर इसका जो यहाँ पे फोम लगा हुआ है देखिए, अगर ये खराब हो गया हो जैसे कि आप ऐसे पकड़ के रखेंगे तो मतलब छोटा सा टाइम ऐसे लग रह जाएगा, फिर थोड़ी देर बाद छूटेगा। अगर ऐसा प्रेस करके रखेंगे छोड़ेंगे, ये फौरन नहीं छूट के थोड़ा टाइम के बाद फिर छूटे, तो इसको अब ठीक करना होता है। ठीक करने कैसे करेंगे इसको, स्प्रिंग यहाँ लगा होता है देखिए, स्प्रिंग खोल दें। इसको कुछ एक इसको क्लीन कर दें पूरा, यहाँ से छुरी से रांप रोप के साफ कर दें पूरा इसको। ये साफ कर देने के बाद में इसमें आप ज्यादातर, अब मैं दिखा रहा हूँ आपको, देखिए ये अभी है, इसको मैं क्लीन कर दे रहा हूँ, ठीक है। ठीक था, मैं आपको दिखाने के लिए इसको क्लीन कर रहा हूँ। ये इसको कोई छुरी से पूरा अच्छे से इसको क्लीन कर दें, यहाँ साफ कर दें पूरा। थोड़ा केयरफुली करें क्योंकि टूट जाता है ये सब, इस तो टूट जाने के बाद में फिर जोड़ना मुश्किल होता है। और ये छुरी भी बहुत साफ कर दें। ये आपको मार्केट में, आपको मेडिकल स्टोर में मिल जाती है, इसको सालाइन टेप जो बोलते हैं और ये हाफ इंच वाला होता है, तो इसको आप खरीद के रख सकते हैं, ठीक है। ये बहुत अच्छी चीज़ है इस, तो आप भी कोई हो, अगर आप बेटर कुछ आपके पास हो तो आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको लगाने के लिए क्या करना है, इस पर 3 राउंड देना है। पहला राउंड लग गया, अब इसको घुमा के, और एक दूसरा राउंड हो गया, ठीक है। फिर ये घुमा के इसमें तीसरा राउंड हो गया, ठीक है। तीसरा राउंड होने के बाद में इसको नीचे की तरफ हमेशा पेस्ट कर दें। कर देने के बाद में इसके जितना हिस्सा बाकी रहा उसको कटर से काट दें, ठीक है। ये आपका सॉलिनॉइड रेडी हो गया। अगर आपका सिर्फ प्रॉब्लम होता हो, नहीं तो इसको कोई छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर सॉलिनॉइड आपका लॉक हो जाता हो, ये देखिए, अगर सॉलिनॉइड आपका ऐसे लॉक हो जाता हो तभी इसको करें। ये सॉलिनॉइड का काम खत्म हो जाने के बाद में, ये पिकअप रबर होता है, ठीक है। ये पिकअप रबर जैसे इसमें देखिए पूरा खराब हो गया है, ठीक है। ये मार्केट में पिकअप रबर आती है, मैं पिकअप रबर चेंज करने के ऊपर भी एक वीडियो बनाया हूँ, आप देख के उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में अगर आप कोशिश करें, अगर इसको साफ सुफ करके आप लगाने के बाद में लगाएंगे, अगर आप थोड़ा और अंदर तक साफ करना चाहते हैं तो ये जो प्लेट आप दिख रहे हैं ना, तो इसको खोलना होता है। इसको खोलने के अगर आप कर पाए तो इसको खोलें, खोल के साफ करके फिर फिट करें। अगर आपका ज़्यादा डस्ट हो गया है तो इसको ब्लोअर मार के अच्छे से क्लीन कर दें। क्लीन करने के बाद में पानी से पूरा धो के एक दिन पूरा धूप में रख दें, वो सूख जाएगा पूरा, ठीक है, सनलाइट में रख दें। अगर इसको आप खोलना चाहते हैं, मैं भी इसको खोलने का तरीका आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए खोलने के लिए इसमें पहले ये साइड का प्लेट खोलना होता है,
अपडेट आ गया, ठीक है। उसके बाद में यहाँ एक नट होता है, यहाँ एक नट होता है, यह एक नट, तीन चार इसके अंदर एक यहाँ होता है, देखिए इसके अंदर, ये नट नहीं है, ये नट नहीं, ये ब्लैक कलर का नट, ठीक है। तो ये चारों नट को खोलना होता है, तो वक्त ज़्यादातर मैग्नेट वाले स्क्रू ड्राइवर यूज करें, क्योंकि नट इधर उधर गिर जाती है। क्योंकि ये पिकअप अगर एक बार खराब हो गया तो इसको रिपेयर नहीं हो सकता, इसका सिर्फ एक ही सलूशन है, आप इसको क्लीन करके ब्लोअर से लगा के चेक कर सकते हैं, या फिर इसको पानी से धो सकते हैं, पानी या कोई सर्फ हो या कोई सॉल्वेंट हो, इसको अच्छे से इसको पूरा धो के, पूरा पानी मार के इसको धो के ब्रश ब्रश से लगाएं, फिर आपका चलता है। अगर फिर भी ना पिकअप हो तो पिकअप चेंज करें, तो ठीक है। ये बाकी नट खोल देने के बाद में तो धीरे से इसको देखिए, धीरे से मैं ऊपर की तरफ उठाया, ठीक है। उठाने के बाद देखिए इसके अंदर में सेंसर लगा हुआ है, ये सेंसर में ज़्यादातर डस्ट हो जाता है, तो इसको आप क्लीन करके, ब्रश से आप क्लीन करके लगाना, ये सेंसर खोलना नहीं है, बस इसमें ऊपर से सिर्फ ब्रश मार के हवा मार देना। देखिए ये इसका सारा अंदर गियर लगा होता है, कभी कभी ये स्प्रिंग खुल जाता है, ये गियर टूट जाता है, तो सब भी आप चेक कर लें, देखिए निकल के यहाँ चेक कर सकते हैं आप, ठीक है। गियर कभी खराब नहीं होते, तो अगर पिकअप आपका ना काम करे तो दो ही तरीका जो मैं आपको बोला वो अपनाएं, अगर ना हो फिर चेंज कर दें, ठीक है, पिकअप चेंज कर दें। ये इसका पिकअप लीवर होता है, ये इसको ध्यान से थोड़ा लगा लोगी करें, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है ना, ये यहाँ से लॉक से खसल जाता है, ये देखिए खसल जाता है, तो ये भी बुश कभी कभी खसल जाता है, तो पेपर आपका यहाँ आके फंसता होगा, ठीक है। ये रबर आप पहले चेंज करके देखें, ट्रे लोड हो रहा है कि नहीं सही, ठीक है। आप इसको लगाएंगे कैसे, अब ये ख़त्म हो जाने के बाद में तो ये देखिए बूस आपका निकल जाएगा, अब जब ये बेस निकालेंगे तो ये बूस निकल आएगा, तो इसको बिठाना कैसा है, ठीक है। इसको थोड़ा ध्यान से बिठाएंगे, सारा बूस देखे, थोड़ा आहिस्ता अंदर से देने के बाद में तो यहाँ पे देखिए ये रॉड लगा होता है, ये रॉड को थोड़े हाथ से उसको घाटी में बिठाना पड़ता है, ठीक है। ठीक है, इसको हम बिठाएंगे, पर लीवर होता है, देखिए कभी कभी इसको बिठाते वक्त ये यहाँ से निकल जाता है, ठीक है। तो इसको आप जरा थोड़ा ध्यान रखें, ठीक है, देखिए, ठीक है। अब इसको बिठा देने के बाद में तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रॉड बूस में नहीं बरोबर बैठ रहा है, तो इसको यहाँ थोड़ा हाथ से एडजस्ट करके बिठाना होता है, यहाँ भी बूस है, इस तरफ मेन बैठना होता है, इस तरफ, क्योंकि यहाँ पे एक बूस जो व्हाइट कलर का आपको दिखाया था, तो ये बूस होता है बैठाने का। तो यहाँ बैठ जाने के बाद में तो ये जो आपका हाथ से बिठाना पड़ता थोड़ा, ये बात टेढ़ा मेढ़ा होकर रह जाता है, तो देखिए ये अब बरोबर बैठ गया, बरोबर बैठने का अब पता है, यहाँ देखिए आपका लॉक में बैठ गया है, यहाँ भी नीचे आप देख सकते हैं बैठ गया, ठीक है। अब इसमें नट कस देंगे,
अगर आप में आप कर सकें तो इसको खोलें, वरना फिर आप खोल देने के बाद में इसको बैठाने में थोड़ी तकलीफ होती है। इजीली बैठा सकते हैं, थोड़ा आप जो अगर जहन यूज करें तो बैठा सकते हैं, कोई बात नहीं। जहां जहां से जो नट खोला गया था तो वहां वहां वो नट आप लगा दें। एक ब्लैक कलर का नट हमेशा यहां लगता है इसके अंदर में। काम खत्म हो गया, काम खत्म होने के बाद में आप चेक करेंगे कि ये आपका घूम रहा है कि नहीं, ठीक है। ये इस तरफ घुमाएंगे तो साउंड होगा, साउंड से कोई मतलब नहीं है, इस तरफ आप घूमें, ठीक है। फिर आपको सोलेनोइड लगाना होता है। सोलेनोइड के यहाँ पे दो लॉक दिया हुआ है, लॉक में आप बिठाएंगे इसका। ये छोटा वाला स्क्रू होता है इसका, देखिए। आने के बाद में ये इसका कनेक्शन आप यहाँ दे दें। आपका पिकअप हो गया। अब इसका ये यहाँ पर जो नट खोले थे आपने, ये प्लेट, ये प्लेट आप ना लगाएं तो ये मशीन बॉडी में फिट नहीं होगा मशीन में। दोनों पिकअप को ऐसी तरह इसी तरह साफ कर सकते हैं। साफ करने के बाद में आप फिर से इसको लगाएंगे। इसको लगाने के लिए ऑलरेडी यहाँ पे घाटी दिया हुआ है कट, तो उसी में ही आप लगाएं, इसको जबरदस्ती कहीं पे ना नट मार दें। पता होगा कहाँ से नट आप खोलते हैं, तो वहाँ वहाँ नट लगाते चले। कभी कभी किसी में मशीन में होती है, किसी मशीन में नहीं होती है ये वायर। ये आपको कंप्लीट फिट हो गया, ठीक है। अब फिट करने के बाद में अब इसका कनेक्शन दे देंगे।
अच्छी तरह से उसके ग्रुप में उसका कट बनाया होता है वायर के लिए, आप दे दें उसको और उस वायर को लॉक भी कर दें। वायर अगर आप लॉक नहीं करेंगे तो वो क्या प्रॉब्लम होता है ना, आपका कवर लगाते समय कहीं कहीं चप जाती है। लगाने के लिए बहुत जरूरी चीज है ये जो लॉक आप दिख रहे हैं, ये लॉक इस डोर में भी आपको मैं दिखा दे रहा हूं। देखिए ये जो चीज है, ये चीज है, इसके नीचे तरफ आप देख सकते हैं एक होल सा है। देखिए सकते होंगे ये होल, ठीक है, ये होल आपको उसके अंदर डालना है, ठीक है। सबसे पहले ये होल के अंदर ऐसे इसको आप देख करके डाल दें, ठीक है। आप इस तरीके से आपको दिखा रहा हूँ इस साइड से, देखिए पे आप मार करके यहाँ से इसके अंदर इसको डालना होता है। देखिए डालने के बाद में यहाँ आपका इसको बिठा देना होता है, बिठा देने के बाद में ये कनेक्शन भी आपको दे देना है, नट लगा देना। कंप्लीट फिट हो गया है, अब डोर फिट हो जाने के बाद में ये जो इसका ऊपर का हिस्सा हम लोग खोले थे इसको इस पे सेट करना है। इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ से लाके इसके अंदर बिठा देना है, ठीक है। ये बैठ जाने के बाद में ये लॉक आपने खोला था, इसको अंदर से सीधा देखे, देखिए ये डोर टू डोर अब एक लॉक हो गया, ठीक है। ये प्लेट लगानी होती है, डुप्लेक्स प्लेट बोलते हैं। इसको लगाने के लिए देखिए इसमें दो दिया हुआ है, कर दिया और यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा पा नहीं रहा हूँ अकेला, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए दो कर दिया हुआ है, ठीक है। उसके अंदर पहले दो लॉक लगाना है, लगाने के बाद में यहाँ पे भी दो कर दिया हुआ है, ठीक है।
अंदर लगाने के बाद में यहाँ भी दो ग्रुप होता है, इसमें इसको बिठा दें, बिठा देने के बाद में इसमें प्लेट लगा दें अपना। क्या करना है आपको, ट्रे लगाना है दोनों, ठीक है। आप ये ट्रे आप लगा दिया, आप लगा देने के बाद में आप ये दो कवर भी आप जैसे खोले थे आप लगा सकते हैं, ठीक है। अब ये दो कवर भी मैं बता दे रहा हूँ, कवर भी आप लगा दें, ये कवर और ये यहाँ भी एक कवर है, ओके। ये आपका कवर लगा दिए, इसमें अपना नट लगा दें, बाकी आपका कंप्लीट हो गया। पिकअप साफ करते कैसे,